दुनिया की तरह भारत में भी रुपए सिक्कों का इतिहास काफी पुराना है। एक वक्त था जब वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से जनता खरीद फरोख्त करती थी। हालांकि भारत उन शुरुआती सभ्यताओं में से एक है जहां मुद्रा के रूप में सिक्कों का प्रचलन 6वीं सदी में ही उपयोग में आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी मुद्रा का उपयोग व्यापार में कम ही होता है। मसलन हिमालय के सीमांत इलाकों में तिब्बत से होने वाले व्यापार में हाल फिलहाल तक भी बार्टर सिस्टम में व्यापार होता रहा है। भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से रुपया 1540 में शेर शाह सूरी के शासनकाल में अस्तित्व में और उपयोग में आया। रुपया शब्द संस्कृत के रुपयकम से बना है, इसका मतलब होता है चांदी का रूप। पहले चांदी के ही सिक्के होते थे, इसीलिए इसे कहते थे चांदी का रूप। बाद में ये अन्य धातुओं से भी बनाया जाने लगा। 20वीं सदी में तो भारतीय रुपया फारस की खाड़ी में भी उपयोग होता था। पहले सिक्कों की जगह कौड़ियों में, दमड़ियों में, धेलों में और आनों में व्यापार होता था, लेकिन रुपए की इकाई कैसे वक्त के साथ आनापाई से बदलकर पैसे में तब्दील हो गई, इसकी भी एक रोचक कहानी है। क्या है ये रुपए के बनने और सर्वमान्य हो जाने की कहानी, आज आपको बताते हैं कि आखिर हुआ यूं था। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं पुरानी मुद्रा प्रणाली पर। ये कुछ ऐसी थी कि 3 फूटी कौड़ी की एक कौड़ी होती थी, 10 कौड़ी की एक दमड़ी होती थी, 2 दमड़ी का एक धेला होता था और 1 धेला की 1.5 पाई होती थी, 3 पाई का 1 पैसा होता था, 4 पैसा का 1 आना होता था और 16 आने का 1 रुपया। पहली बार अमेरिका ने साल 1792 में अपनी मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम का तरीका अपनाया। इसके तहत मुद्रा को न्यूनतम मूल्य की 100 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो 100 सेंट्स का $1 होता था। अमेरिका के बाद ये प्रणाली इतनी लोकप्रिय हुई कि ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप के सभी देशों ने इसे अपना लिया। भारत में तब तक रुपए में 16 आने ही हुआ करते थे और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस प्रणाली में 1 आना 4 पैसे के बराबर और 1 पैसा 3 पाई के बराबर होता था। इस तरह पाई इसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इसी से मिलती जुलती मुद्रा प्रणाली थी, इसीलिए अंग्रेजी शासन के समय इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आजादी के तुरंत बाद भारत ने मौद्रिक विनिमय यानी कि पैसों के ट्रांजैक्शंस को तर्कसंगत बनाने के लिए इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी कि रुपए के लिए दशमलव प्रणाली लागू की जाए। लेकिन यहां एक चुनौती थी, वो ये कि दशकों से प्रचलित आनापाई प्रणाली को एक झटके से खत्म नहीं किया जा सकता था। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साल 1955 में उठाया गया और इसी साल संसद ने सिक्का ढलाई संशोधन कानून पारित किया, जिसके तहत ये व्यवस्था दी गई कि रुपए को 100 भागों में डिवाइड करके इसकी न्यूनतम इकाई 1 पैसा बना दी जाए और नए सिक्कों को इसी आधार पर ढाला जाएगा। यानी नए सिक्के 5, 10, 25 और 50 पैसों के बनाए गए। ये एक्ट पारित तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी आनापाई प्रणाली को खत्म करने की दिशा में कई दिक्कतें थी। पहली तो ये कि इतनी विशाल जनसंख्या को इस बदलाव के बारे में जानकारी कैसे दी जाएगी। दूसरी समस्या ये कि सरकारी सेवाओं जैसे डाक, तार और रेलवे जैसे विभागों की नई दरें तय करने की थी। इसके अलावा ये भी चिंता का विषय था कि कारोबारियों को आनापाई प्रणाली खत्म करने के बाद अपने सामानों की मनमानी कीमतें तय करने से कैसे रोका जाए। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक विस्तृत गुणन चार्ट छपवाकर देश के तमाम डाकघरों में उपलब्ध कराए, ताकि लोग इनके आधार पर मुद्रा विनिमय कर सकें। गुणन चार्ट यानी ऐसी एक टेबल जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते थे कि कितने पैसे बराबर कितने रुपए। इन तैयारियों के बाद साल 1957 में भारत सरकार ने नए सिक्के जारी कर दिए। इन पर नए पैसे लिखा गया था। इन सिक्कों के बाजार में आने के साथ ही देश में कई सारी दिलचस्प घटनाएं भी देखने को मिली। कहा जाता है कि दिल्ली के जनरल पोस्ट ऑफिस में तब पहले सिक्के को पाने के लिए तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसे संभालने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम करने पड़े थे। वहीं कलकत्ता में कई लोगों ने नए सिक्कों का विरोध करते हुए कुछ पोस्ट ऑफिसों में आगजनी कर दी थी। इन लोगों का कहना था कि सरकार उन्हें महंगी कीमत पर पोस्ट कार्ड और लिफाफे दे रही है। 1963-64 के आसपास जब नए पैसे पूरी तरह से प्रचलन में आ गए थे, तब सरकार ने इन सिक्कों में छपे नए पैसे से नए शब्द हटा दिया। इस बारीक बदलाव के साथ नए सिक्के प्रचलन में आ गए।
30 जून 2011 को वित्त मंत्रालय ने 1, 2, 3, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्कों का संचालन बंद कर दिया। अब 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के प्रचलन में हैं। 1 रुपए का सिक्का साल 1962 से चलन में आया, 2 रुपए का सिक्का साल 1982 से, 5 रुपए का सिक्का 1992 से और 10 रुपए का सिक्का साल 2006 से चलन में आया। इसके अलावा 20 रुपए का सिक्का साल 2020 से चलन में आया है। जाते जाते मुद्रा प्रणाली से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपको देते हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। मसलन, अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा सिक्का लेने से इनकार करता है जो चलन में है, तो उसके खिलाफ आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। आरोपी शख्स के खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और IPC के तहत कार्रवाई होगी। इस बारे में रिजर्व बैंक में भी शिकायत की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई महंगी वस्तु खरीदने बाजार गए और आप इस बात पर अड़ गए कि मैं इसका पूरा भुगतान सिक्कों में ही करूंगा। उदाहरण के तौर पर आप बाजार में स्कूटर खरीदने गए, शोरूम संचालक ने उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई और आप उसे 1.5 लाख के चिलरों से भरा कट्टा देने लगे। असल में सिक्का अधिनियम में सिक्कों से कितनी बड़ी राशि का भुगतान किया जाए इसको लेकर भी एक नियम है। 1 रुपए से ऊपर के सिक्कों से सिर्फ 1000 रुपए तक का भुगतान ही किया जा सकता है। अगर आप इससे ज्यादा का भुगतान सिक्कों में करना चाहें तो लेने वाला इससे इनकार कर सकता है और अगर आप अड़े रहे तो उल्टा आप पर ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां लाकर आपको बताते रहें कि आखिर हुआ यूं था।